तो हेलो यूट्यूब फैमिली, गुड मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसा आप लोग, होप आप सब बढ़िया होंगे। और मैं द पायलट 250 फिर से आ गया हूँ एक नए ब्लॉग के साथ। और आपने फिर कुशीनगर एक दिन घूमने गया था तो मेरे साथ कुछ ऐसा हो गया था। खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया बेटे। अरे बेटे माज कर दी, हाँ माज कर दी माँ बेटे, वाह अरे वाह शेर। तो गाइस ऐसा हादसा मेरे साथ हो गया था, मैं बस जस्ट ट्राई कर रहा था विली मारने का और थोड़ा बहुत मुझे आता भी था। तो आप लोग जानते ही हैं कि जब बिगनर कोई विली मारता है तो गिरता ही है, और वैसा ही मेरे साथ भी हुआ, मैं भी गिर गया। और उसके बाद मेरी बाइक का हालत कुछ ऐसा हो गया। अरे यार हैंडल खत्म हो गई, हम बच गए नहीं। बुरा लगता है भाई, आप लोग भी जानते हो। मैंने सोचा था कि कुशीनगर से आसनसोल का मतलब आऊंगा बाइक से ही, लेकिन जब ये हादसा होने के बाद फिर मैंने जल्दी से अपनी बाइक पार्सल करा दी देवरिया से। और उसके बाद मतलब 5 तारीख को मैंने पार्सल कराया था और 7 तारीख को आ गया था आसनसोल, और उसके बाद मैं 8 तारीख को मतलब आ गया था अपने घर। तो आज उस दिन था सैटरडे, मतलब 9 तारीख को मैंने सोचा कि ले जाऊं, तो उस दिन सैटरडे था। तो इसका वजह से मैंने शोरूम में बात किया तो उन्होंने बोला कि मंगलवार को आना, तो आज ट्यूसडे मतलब मंगलवार। तो आज हम लोग अपनी बाइक को लेकर जा रहे हैं इंश्योरेंस क्लेम के लिए, और देखते हैं क्लेम में क्या होता है क्या नहीं होता है, और वहाँ पर चलते हैं। और मेरी बाइक का हालत अभी भी ऐसा ही है, ज़्यादा कुछ हुआ नहीं है। जिस तरह का मेरे साथ क्रैश हुआ, बस मीटर ही गया और ये हैंडल बार और पीछे का टेल टाइट, बाकी सब कुछ सही है। और यहाँ पे टैंक में ऐसा मतलब थोड़ा थोड़ा डेंट टाइप का आ गया है, और यहाँ पे पूरा एकदम बिचक गया। फुट रेस्ट जो होता है वो भी ब्रेक हो गया, और क्रैश गार्ड जो होता है मतलब नॉर्मली बाइक में मिलता है वो, और बाकी मेरी बाइक चलने में सब कुछ ठीक है, कोई भी मतलब इशू नहीं आ रहा। जिस तरह का मेरे साथ क्रैश हुआ बच्चे हैं उस तरह से मतलब बहुत ही मैं बच गया हूँ, और मुझे तो एकदम कुछ हुआ ही नहीं। और पीछे जो था भाई आप लोग देख ही सकते हैं, यहाँ पे आसनसोल टू नेपाल पूरा एकदम ख़त्म हो गया, और इधर कुछ भी नहीं हुआ। इस साइड से बाइक में गिरा था और इस साइड ये जो होना था हुआ। और चलिए ब्लॉग में बने रहिए और आगे देखते हैं क्या होता है। A few moments later. तो भाई अभी हम लोग आ गए हैं ब्लॉगिंग सेटअप पे, तो जैसे तैसे बस बाइक चला रहे हैं, और सामने का व्यू कुछ ऐसा है कि हमारा मीटर आप लोगों ने देखा ही है, और ब्लॉगिंग सेटअप में कुछ ऐसा लग रहा है बाइक, और क्या ही बोलूँ मैं। मैंने सोचा था कि जब मैं पार्सल कराने जा रहा था उस टाइम भी मतलब जब क्रैश हुआ था उस टाइम मैं आधा ब्लॉग बनाया था, उसके बाद मैंने नहीं शूट किया क्योंकि मुझे अच्छा नहीं लगा। और समझ ही सकते हो एक पहला बाइक जब किसी का ऐसे क्रैश होता है तो कैसा फील होता है, तो फिर मतलब अजीब टाइप फील होने लगा था। लेकिन तो उस टाइम मैं आधा ब्लॉग बनाया था, उसके बाद मैंने सोचा कि फुल कर दूँ, लेकिन उसके बाद मुझे बोलने का बस मन ही नहीं कर रहा था, लग रहा था कि अब क्या से क्या हो गया। और अगले दिन ही मुझे मतलब पार्सल कराना था बाइक और निकलना भी था, तो इसकी वजह से मैंने सोचा था घूमने के लिए, और घूमने गया तो बस ऐसा ऐसा हो गया मेरे साथ। और अभी चलते हैं दुर्गापुर और देखते हैं क्या होता है, मेरी बाइक का टाइम लगेगा नहीं लगेगा, हम लोग आ चुके हैं KTM शोरूम और एंटर करते हैं, देखते हैं क्या होता है, क्या इंश्योरेंस क्लेम होता है कि नहीं होता है। यहाँ पर जो अनलोडिंग चल रहा है बाइक का, KTM में जाना है, यहाँ पे है इतनी सारी बजाज की बाइक और KTM लगाते हैं थोड़ा अंदर में।
है। तो चलते हैं अंदर, उसके बाद बात करते हैं। A few moments later. Guys, अभी हम लोगों ने फॉर्म लिया और फॉर्म लेने के बाद कोई ऐसा प्लेस मिल नहीं रहा था कि हम ब्लॉग शूट करें, और लास्ट में सीढ़ी पे ही ब्लॉग शूट करना पड़ रहा, और अंदर में वेटिंग रूम है तो वहाँ पे मतलब बहुत ज़्यादा ही भीड़ है, मतलब वो क्या भाई, तो अब क्या ही बताऊँ मैं उसको, छोड़ो यार कंट्रोल। तो देख सकते हैं, देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। तो मैंने सोचा कि कहाँ पे ब्लॉग शूट कर रहे हो, तो यहीं सीढ़ी पे मैंने फॉर्म पूरा अच्छे से फिलअप कर दिया। और भाई यहाँ पे लिखना था स्टेटमेंट, तो मैंने स्टेटमेंट में वहाँ पे लिखना था कि कैसे एक्सीडेंट हुआ, तो भाई वहाँ पे विली लिखा जाए, मतलब लिख दूंगा वहाँ पे, यदि हम विली लिख देंगे अरे कहना क्या चाहते हो, यदि मैं वहाँ पे विली फिलअप करता हूँ तो उसके बाद क्या होगा कि हमारा रिजेक्ट हो जाएगा, तो इसकी वजह से हम लोगों ने विली का लिखा नहीं, कुछ अलग ही डाल दिया है, और मैं और डिटेल तो दिखा नहीं सकता हूँ। चलते हैं, इसको जमा करते हैं। A few moments later. तो गाइस जितना हम लोग का काम था, मतलब पेपर वर्क हमने सब कर लिया और की भी हम लोगों ने जमा कर दिया, और अब टाइम है अपने बाइक को टाटा बाय बाय करने का, और कितने टाइम में बनेगा नहीं बनेगा हमको पता नहीं है, और जितना भी टाइम लगेगा उतना टाइम वेट कर लेंगे, और इंश्योरेंस क्लेम के लिए भी कॉल आएगा, जो भी होता है आप लोग जानते होंगे, फर्स्ट पार्टी मेरा नहीं है, मैं बम्फर टू बम्फर, तो इसके लिए मैं कोई टेंशन नहीं है, मतलब पैसा वैसा ज़्यादा लगेगा नहीं, और लगेगा भी तो फिर रिटर्न आ जाएगा। और भाई को अपने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन जो दबा देना, और ऐसे ही सपोर्ट करते रहना। तो मिलते हैं किसी नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद जय भारत।